हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आपको अपने सामने A200 CDI 1812 मर्सिडीज दिख रही होगी, जो कि है ट्यून्ड। अभी मेरे चैनल पे आपने इसका रिव्यू नहीं देखा होगा, आप जल्दी देखोगे, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं MG की बात कर लूँ तो ये है भाई ZS EV, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरनेट इनसाइड MG। तो भाई देख लो, अब आप कहोगे कि क्या तुक बन रहा है। तो भाई MG की और उसकी ना थोड़ी टक्कर इसलिए हमने बिठाने की कोशिश करी क्योंकि वो ट्यून्ड गाड़ी है, उसमें 200+ BHP और इसमें 175 BHP, और ये भागती बहुत है, आपको पता है। अभी हमने इसकी क्रेटा के साथ करी थी तो उसका रिजल्ट मैं क्या ही बोलूँ, आपको पता ही लग जाएगा यार, आप देखोगे तो, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये मर्सिडीज़ को कैसा टक्कर दे सकती है, क्योंकि ये जो मर्सिडीज़ है ना भाई, ये 6, 6.5, 7 सेकंड में जाती है 100 पे। तो हम देखेंगे कि MG की EV और मर्सिडीज़ की A200 इनमें से कौन सी ज़्यादा तेज है, ठीक है। देखो, स्टॉक A200 तो पक्का गारंटीड हार जाएगी इससे, ये है ट्यून्ड और इसके ओनर से मैं आपको मिलवाऊंगा वीडियो के लास्ट में। अभी तो हम ड्रैग रेस करने वाले हैं। ये देखो, आप समझ गए होगे भाई, इसमें एग्जॉस्ट 4 दिख रहे हैं, तो ऐसे नहीं आते हैं स्टॉक में। तो वीडियो में बने रहें, आपको मज़ा आएगा। तो भाई मैं हूँ EV में और ये ट्यून्ड मर्सिडीज़ में चूहा बैठा है और ओनर चला रहे हैं, और इसको ऐसे डाल देते हैं हम D में, और ये हो गया पार्किंग ब्रेक इसका। नीचे एक ऐसी हमिंग साउंड आ रही ना, ऐसी सी, और जने हम भाई 4 बैठे हैं गाड़ी में और उसमें 3 उसमें 3 जने हैं। 50% बैटरी है भाई, ये देख लो, 50% बैटरी है। 3 घंटे 23 मिनट से गाड़ी चालू है, 80.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। इनिशियल में गई, उसके ओ टक्कर है भाई पूरी, पूरा बंजा दाग रखा है भाई, बंजे में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब मर्सिडीज निकल गई। नहीं भाई, अब मर्सिडीज, अब उसका जो ट्यून्ड पार्ट था उसने वो अपना काम दिखा चुका है। अरे भाई ने ब्रेक ले लिए, क्यों पता नहीं क्यों लिए भाई मेरे तो मैं पता नहीं आपके मन में क्या रह गए, MG जीतती है, ब्रेक क्यों लिए पूछो इनसे, ब्रेक क्यों लिए, ब्रेक ले ले, जीत गई थी फिर आगे थी। अरे तो चलना था ना वहां पे, चलने देना था। हाँ इस पे करते हैं, एसी भी ऑन था हमारा, एसी ऑन था हमारा, तो एसी ऑफ है, ट्रैक्शन भी ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन कर लिया था हमने भाई। 49 हो गई है गाड़ी की बैटरी, और शुरू में तो ये जो MG है बहुत बढ़िया निकली, लेकिन उसके बाद जो उसका ट्यून्ड पार्ट है उसने अपना कर्तव्य दिखाई दिया। और एक बात है गाइस, इसमें ये N में है और कोई RPM कुछ नहीं उठता इसका, ये देखो, ये जो चलती है D में ही चलती है। हाँ, अब की बार इनिशियल में, अब की बार तो भाई इनिशियल में भी लगता है उनका AC वेसी ट्रैक्शन ऑफ सारा काम कर गया। अब की बार तो भाई इनिशियल में भी जो मर्सिडीज है वो निकली है। हमारी गाड़ी 140 चढ़ी है तो मर्सिडीज 150 क्रॉस कर गई है, इसका मतलब भाई आराम से 160 भी हो सकती है। और देखो भाई पूरा पंजा दाब रखा है, और दाब दूंगा छेद भी हो सकता है गाड़ी में। ब्रेक ले लो भाई, एक बार एक राउंड और करते हैं, एक टैक्टिक निकाली है मैंने इस गाड़ी की, वो देखते हैं। चमक गया वैगनर वाला, ये क्या हुआ, ये स्पोर्ट्स में ही है भाई, कहीं आप सोच रहे हो इसकी स्पीड पे रोलिंग। नहीं नहीं, एक ऐसे ड्रैग कर ले लास्ट लास्ट ड्रैग। एक चीज मैंने नोटिस करी, जरा वो देख लेता हूँ कामयाब है या नहीं। इस बार लॉन्चिंग में प्रॉब्लम थी क्या? नहीं प्रॉब्लम नहीं थी, आपका ट्रैक्शन ऑफ था ना, तो आपका थोड़ा जलवा हो गया आपकी बार। AC भी ऑफ था, लैग नहीं मारा। हाँ तो हमारा AC वैसी सब ऑन है, तो क्या करोगे? एक चीज करने की सोचिए, ड्रैग ही करो नॉर्मली जैसे करते आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कर ले, वो ही कर ले रोलिंग, उसके बाद कर लेंगे ना। तीसरा राउंड है ना, की बार तो भाई चार एग्जॉस्ट का कमाल देख, चारे देख रहा है तो धुआं। हाँ स्ट्रोक मर्सिडीज को तो हरा देगी ये आराम से, ये ट्यून्ड है, इस हमारी जीत रही है। पूरा दम लग रहा है मर्सिडीज का पहले राउंड के जलवे ही अलग थे, पता नहीं क्या हुआ पहले राउंड में, और उसके बाद वो चीज नहीं हो पा रही है। 170 चढ़ गई थी भाई तो मर्सिडीज 180 क्रॉस कर गई होगी। 90 दो भाई हमारी तो होगी होगी 30 ओ भाई मर्सिडीज ना 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 ना
पूरा मर्सिडीज ने हांगा लगा रखा भाई। रोलिंग रेस में थोड़ी बड़ी टक्कर थी, दो मर्सिडीज के बीच में एमजी भाग रही है। एक आगे भी लेकिन ना यार एमजी का तो मैं फैन हो गया, इस इलेक्ट्रिक का तो यार उसके कैसे भाई दरुद्रील इतना दम लग गया क्या ना भाई स्टोक होती तो हारती मर्सिडीज आज एक एमजी ब्रांड से। ओहो भाई पर ना ना अब तो जीत नहीं यही है क्योंकि गैप बना रही है ज्यादा ना। कैसे कर लेना फ्रेंडली भाई जो मर्सिडीज के ओनर है एक बार उनसे एक चीज पूछता हूँ भाई, जैसे आपकी ट्यून्ड है स्टॉक होती तो हार के जाती है आज 100% स्टेज वन भी होती तब भी कभी भी हारती तो यही है भाई, भाई का फर्क। बाकी भाई का भी यूट्यूब पे चैनल है भाई, किस नाम से? अभिमान के नाम से है भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये है भाई तो आर यू श्योर स्ट्रोक मर्सिडीज वुड हैव लूज 100% तो यही था भाई, ये ट्यून्ड है तो जीत जाती है। एमजी का तो मैं आज फैन हो गया, मेरे को वैसे कम पसंद है ये कंपनी में सही बताऊं तो, लेकिन हाँ भाई ये चीज़ इन्होंने बढ़िया निकाली है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच।